हेलो एवरीवन माय नेम इज अभिषेक और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स तो आज का है हमारा वीडियो, वीडियो लेक्चर नंबर फाइव और आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑफ सेंटर मास इसके पहले हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल सिस्टम रहो या फिर कंटिन्यूस सिस्टम रहो डिस्कट सिस्टम हो सकता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम हो सकते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम का भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है जिसे हम निकालते हैं m1, m1x1 एम वन एक्स प्लस एम प्लस एम अपॉन एम होल अपॉन मास ऑफ पार्टिकल या फिर r के फॉर्म में अगर आपको लिखना आ रहा तो m1r1 वन प्लस एम टू आर अप टू एम होल अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल ये हो गया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए और हम निकालते हैं एक दूसरा किसके लिए बेटा फॉर कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम जो हमने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी करके सभी फॉर्मुलेस के तहत हम कैसे सेंटर ऑफ मासेस निकाल सकते हैं डिस्क्रिट सिस्टम का और कॉन्टीन सिस्टम का ये हमने पिछले इसमें देखा था अभी हम देखने जा रहे हैं कि वो जो सेंटर ऑफ मास है जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का उसके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते या फिर आपको ऐसे ही एन नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम दे दिया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम दे दिया या फिर कंटीन्यूअस पार्टिकल सिस्टम दे दिया तो उस सेंटर ऑफ मास का हम वेलोसिटी कैसे निकाले एक्सीलरेशन कैसे निकाले उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे निकाले उसका मोमेंटम कैसे निकाले ये पूरी चर्चा होने वाली इस वीडियो में थोड़ा सा बढ़िया कांसेप्ट है है कुछ नहीं बस थोड़ा इमेजिन करने में आपको तकलीफ हो सकता है लेकिन अगर आप इसको सादगी से देखें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजरिए से ना देखें तो आपको यह बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पिचको ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट लेट्स स्टार्ट तो बढ़िया से हेडिंग दे देते सबसे पहले हम यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अब देखो इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अब देखिए जैसे मान लो कि मैं आपको दे रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है हाउ टू कैलकुलेट द एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो मैं कैसे निकलूंगा बेटा देखो एम वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस सो ऑन टू कहा लिखेंगे अपन एम एन एक्स एन होल अपॉन क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे ऑन टू कहा लिखेंगे बेटा मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ मेरा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू सो ऑन टू कहा तक बेटा एम एन एक्स एन होल अपॉन क्या कर देंगे बेटा टोटल मास ऑफ द बॉडी अप टू एम एन या बना देंगे टोटल मास ऑफ द बॉडी अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं इफ आई डेरीवेट इफ आई डिफ्रेंशिएट द अब इक्वेशन डिफरेंशिएट द अब इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं टाइम के साथ इसको क्या कर दू बेटा डेरिवेट कर दू तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ यही पे लिख देता हूं मैं डी बाय डी टी ऑफ एक्स सी एम हालांकि मैंने इधर लिखना चाहिए था लेकिन अभी स्पेस नहीं छोड़ी इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ कि डी बाई डी डी ये गलत नोटेशन है ये डी बाई डी टी यहाँ पे चाहिए था ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं हम समझ सकते ये स्टेप आ जाएगा यहाँ पे अब वट इज डेरिविटी ऑफ डिसमेंट वट इज डेरिटी ऑफ एक्स कॉर्डिट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट वुड बी वेलासिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे एम वन तो कॉन्स्टेंट रहेगा बेटा एम वन कॉन्स्टेंट बचेगा क्या यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स वन

ये जो है दिस इज नथिंग बट माई वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे अगर मैं वापस वेलॉसिटी के इक्वेशन को डिफरेंशियटिंग डिफर डिफ्रेंशिएटिंग द वेलॉसिटी इक्वेशन we will get the equation for acceleration of center of mass so what would be acceleration of center of mass it is rate of change of velocity of center of mass mathlabi d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2 and so on

एंड दिस हैपन्स टू बी द एसलरेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास तो ये इक्वेशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये इक्वेशन हो जाएगा एसेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का और अगर आपने एक गौर से देखा होगा तो दिज आर सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्प्ले एक्स कोआर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बेटा समेन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन एम फ्रॉम आई इज इक्व टू वन अपू एन इसको ऊपर लिख सकते हैं बेटा कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म

उस सारे संसार का मास मतलब वो सिस्टम का सारे सिस्टिम का सारे सिस्टिम का मास उस पॉइंट पे पकड़ा गया है रे बाबू मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जितना भी जितना भी मासकी सिस्टम uh, का होगा जितना भी सिस्टम uh, का होगा वो ऐसा लगता है कि वो मास जैसा चला वैसे एज अ सिस्टम पूरी चली समझ में आ रहा है मतलब जो डिसीजन जो चीज सेंटर ऑफ मास के साथ हो रही है वो ओवरऑल सभी पार्टिकल सिस्टम के साथ मतलब उस उससे रिलेटेड जो वो सेंटर ऑफ मास जिस ऑब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है सिंपल सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं अपन या फिर इट इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू भी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके जो इफेक्ट्स है वो पूरे बॉडी के इफेक्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑन कंप्लीट बॉडी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट कंप्लीट बॉडी

इन टू एसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जो है ना जैसे मान लो कि मैं एक बॉडी ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ ठीक है इसका मास कितना है बेटा एम है अब ये बॉडी तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी है बेटा ये बॉडी समझ में आ रही नहीं आ रहा है अब इस बॉडी पे लग रहा है बेटा फोर्स एफ कितना लग रहा है एफ तो ये बॉडी मूव होंगी अब मुझे बताइए क्या मैंने कभी यहां पे सेंटर ऑफ मास का जिक्र किया था नहीं किया था क्योंकि हमें ये पता है कि हर 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 पार्टिकल का इसको आप दस इक्वल टुकड़ों में आपने तोड़ दिया तो हर पार्टिकल का मास एम रहेगा क्योंकि इक्वल टुकड़ों में तोड़ा और हर किसी का एसोलेशन इधर ए ही रहेगा सो वॉट इज द एसोलेशन ऑफ दिस कंप्लीट ए अगर मैं इस फॉर्मूला से निकालना चाहूँ सो वट वट इज द एसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू ऐसे दस बार लिखेंगे क्योंकि हर हर किसी का मास एम और हर किसी का एसोलेशन ए हर किसी का मास एम हर किसी का एसोलेशन है ऐसे में टीम टेस्ट लिखूंगा होल अपॉन वट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी इट विल भी टेन एम क्योंकि मैंने दस टुकड़ों में तोड़ा है तो मैं लिखूंगा टेन एम ए अपॉन क्या लिखूंगा टेन एम तो बेसिकली हो क्या रहा है जो एसोलेशन सेंटर ऑफ मास का है या फिर जो एसोलेशन इंडिविजुअल पार्टिकल का है वो एसोलेशन किसका है सेंटर ऑफ मास का है इसलिए हमने ज्यादा गौर नहीं किया कि भाई साहब एक्चुअली होता क्या है ज्यादा गौर नहीं किया तो ये बेसिकली है वही चीज बस यहाँ पे हम उसको सीधा ए ना लिखते हुए क्या कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पे हमने क्या कंसर्ट कर लिया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है इसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लिया क्या ट्रीट कर लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जितना भी ये पूरे बॉडी का मास है वो भाई यहाँ पे सिचुएटेड है सेंटर में और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है बेटा क्या एफ तो एसोलेशन क्या रहेगा हमारा एफ बाई एम तो ज्यादा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में हम गए नहीं लेकिन एक्चुअली वो है क्या वो जो हम वहाँ पे एसोलेशन पकड़ रहे ऑब्जेक्ट का का वो बेसिकली किसका है 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 सेंटर ऑफ 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 मास मास बेसिक में वैसे यहाँ पे मोमेंटम ना नथिंग बट समेशन समेशन ऑल द इनटू इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता मोमेंटम तो क्या मैं पे लिख सकता कि nothing, nothing of of बस अपने नहीं लिखा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हर, हर का जो वेलॉसिटी रहेगा वही अरे दस, दस अगर पार्टी का आपने कंसिडर कर लिया और हर किसी का अगर, अगर वेलोसिटी वही है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास ही उसका भी वेलोसिटी वही रहेगा अगर आप इस फॉर्मुले में पुट करो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के एम वी प्लस एम वी प्लस एम वी आपने इसी ऑब्जेक्ट को दस टुकड़ों में तोड़ दिया तो हर किसी का मास एम बाई टेन हो जाएगा मतलब मास सेम हो जाएगा है ना हर टुकड़े का मास कितना हो जाएगा एम तो ये हो जाएगा टेन एम 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 टेन एम और एम वी एम वी एम वी टेन एम वी तो टेन एम वी अपॉन टेन एम टेन एम टेन एम कैंसिल वी है ना तो इस तरह से कार्यक्रम होता है तो किसी ऑब्जेक्ट का किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालते आ गया तो उसी ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी ऑफ़ सेंटर ऑफ मास भी की भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिविजुअली अलग अलग वेलोसिटी से जा सकते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट को अगर हम सिस्टम करें तो वो सिस्टम का जो वो दो ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, है ना आपने यहां से छोड़ दिया मान दो लो दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम था

वो जो सेंटर ऑफ माइस उसको भी तो कुछ एसोलेशन होगा तो ये सेंटर ऑफ मास का एसोलेशन और ये जो सिस्टम थे आपकी ये सिस्टम में कौन था सिर्फ दो पार्टिकल्स थे M और M, वो भी दोनों सेम साइस के तो उसका सेंटर है उसका सेंटर 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 ऑफ ऑफ मास मास का रहेगा में तो ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये सेंटर ऑफ मास का एसोलेशन कैसे निकालेंगे ये हमने यहां पे देखने की कोशिश किया है चलिए एक बढ़िया एग्जाम्पल से यहां पर अपन देखने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना जो भी हमने डिस्कस किया ना उसी को अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं देखिए एक सिस्टम हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं है ना चलो इसको पकड़ लेते इसका मास एम और इसको पकड़ लेते इसका मास M. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं डी तो अगर मैं इस पार्ट को पकड़ू ओरिजिन है ना इस पार्ट को क्या पकड़ू बेटा मैं ओरिजिन पकड़ू ओ रीजन तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू होन अब एम वन प्लस एम टू तो ये एम एक्स के वैल्यू क्या हो गया बेटा जीरो प्लस एम टू एम एक्स की वैल्यू क्या होगी डी होल अपॉन एम वन प्लस क्या ट्वाइस एम तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ डी बाई टू है ना एम डी अपॉन टम डी बाई टू मतलब ऑब्बियस है दोनों का अगर मास सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहा आने वाला है बेटा यहाँ पे आने वाला है मतलब ये भी डी बाई टू और ये भी कितना हो जाएगा डी बाई टू खत्म अब मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अभी जो हमारा सिस्टम है ये कैसा है कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है तो सही डिस्क्रीट है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ से ऐसा छोड़ दिया है ना यहाँ से ऐसा मैंने क्या करेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या से छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट भी नीचे आएगा तो तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये ना तो इस पे ना तो उस पर है ये अलग ही कहा तो भी बाहर है अब ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो भी तो मूव करेगा क्योंकि खुद सिस्टम भी मूव करे यहाँ पे तो मान लेते वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएंगे देखिए v क्योंकि तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेलोसिटी हो हो तो जीरो, प्लस जीरो, वैसे दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या मैं यहाँ पे वन वन लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो सेकंड की जीरो प्लस जीटी मतलब पहले की भी वेलॉसिटी जी टी हो जाएंगी और दूसरे की भी वेलोसिटिबिट आफ्टर टाइम जी टी हो जाएंगी और दोनों की जो गति है वो कहा माइनस जे कैप

दूसरे का मास कितना बेटा है उसकी वेलोसिटी कितनी है माइनस जी टी लिख देते हैं यहाँ पे होल अपॉन टोटल मास ऑफ़ द सिस्टम कितना है अगेन एम सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस एम जी टी जे केप क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे कैंसल तो आंसर है माइनस जी टी ऑफ जे के

समझ में आ रहा है इस तरह से सो दिस इज द सीन अब मतलब क्या बेटा कि ये भी नीचे जितने वेलोसिटी से आ रहा है भी ये भी जितने वेलोसिटी से आ रहा है ये भी सेंटर ऑफ मास भी उतने वेलोसिटी से कहा आएगा बेटा नीचे आएगा अब ये हमने बहुत आइडियल कंडीशन ले ली ताकि आपको बस फील आ जाए कि हाँ ऐसा होता है करके है ना जब दो ऑब्जेक्ट्स वापस से यहां पे आ जाएंगे बेटा तो वापस इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा इसके सेंटर में तो जितना टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया पहला जितने टाइम में दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से आया उतने टाइम में तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहां आया ना बेटा आपका समझ में आ रहा है

प्लस हाफ ए क्या है देखो माइनस जी जे कैप इन टू टी वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क् माइनस जे कैप वैसे अगर आप वाई टू निकाले तो क्या यू टू टी प्लस हाफ इी स्क्र तो वाई टू क्या हो जाएगा आपका यू टू तो हो जाएगा जीरो प्लस हाफ ए कितना है आपका जी टी स्क् माइनस जे कैप नीचे तो y2 का फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा आपका हाफ

मतलब अगर आपने सेंटर ऑफ मास का अगर मोशन निकाल लिया तो आप पूरे बॉडी का ओवरऑल मोशन यहाँ पे दर्शा सकते हो चलिए वैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला बेटा एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट एम वन प्लस क्या बेटा यहाँ पे एम होल अपॉन एम वन चलिए तो क्या है बेटा एम वन एम वन तो मेरा ए है इसका एसोलेशन क्या है देखो माइनस जी जे कैप नीचे है ना तो जी जे कैप्लस टू एम जी जे कैप होलोन टम तो ट्वाइस एम आंसर आ जाएगा बेटा माइनस जी जे कैप तो जो इसका एसोरेशन है जो इसका एसोलेशन है बेटा सेंटर ऑफ मास का अब देखो चाहो तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल को लगाओ ये इक्वेशन या या फिर डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास को लगाओ अगर आपको डायरेक्ट बताना है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ऑफ सेंटर ऑफ मास बताऊंगा तो सीधा कानामेटिकल इक्वेशन पकड़ो कौन सा एक्स इज इक्वस टू यू टी प्लस लिख देंगे बेटा हाफ ए टी स्क्वेयर बस अगर आपको अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो फिर आपको आइसोलेशन भी किसका लिखना पड़ेगा बेटा सेंटर ऑफ मास का ए सी एम टी टी स्क् ट्राई करो तो आंसर यही आएगा आपका देखो

ट ऑफ सेंटर टाइम टी वाई कोडिनेट ऑफ सेंटर हाफ इंटू एसोलेन ऑफ सेंटर ऑफ मासन एसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरी चर्चा से आपको समझ में आ गया आऊंगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और कैसा क्या करना है क्लियर है तो मोटा मोटा आप एक ही लाइन यहाँ पे ध्यान में रखें

और वो कैसे निकालना तो इसके पहले के वन वी वन प्लस निकलना है बस क्लियर है अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहां पे हमने मद्देनजर रखने चाहिए वाइल सॉल्विंग दिस देखो तो पहला पॉइंट अंडर कंसिडरेशन क्या है बेटा पहला पॉइंट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो नेट फोर्स अगर सिस्टम पे क्या लग रहा है बेटा जीरो और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले से क्या है जीरो सेंटर ऑफ मास को ही जाओ मैं तो ये बोल रहा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियली वेलोसिटी पहले क्या है बेटा जीरो और अगर नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कैसा है जीरो तो ऑब्वियसली उसमें कोई एसोलेशन आएगा नहीं क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है मास है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है तो एसोलेशन क्या रहेगा जीरो क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो एम तो है एफ जीरो है इसलिए ए जीरो है आपका ए जीरो इसलिए वेलॉसिटी क्या रहेंगे उसकी कांस्टेंट मतलब अगर आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट था पहले से कांस्टेंट था तो वो क्या रहेगा बेटा कॉन्स्टेंट ही रहेगा एज सिंपल एज एजेड बस यहाँ पे हमको क्या करना है वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस नाम से उसको बुलाना है हम इसके पहले क्या लिखते थे कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव बॉडी जीरो Then, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगी मोशन में तो मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में रहेंगी अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि अगर वही 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 बात कर रहा हूँ बस मैं वेलोसिटी ना बोलते क्या बोल रहा हूँ जीरो इफ द बॉडी वॉज इनिशियली रेस्ट देन बॉडी वुड बी रेस्ट एंड इफ बॉडी वॉज मूविंग विदॉसिटीज ऑफ अदर पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलॉसिटीज ऑफ अदर पार्टिकल्स ऑफ अदर पार्टिकल्स इसका अर्थ क्या है सर देखिए इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लो कोई एक चक्का 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 पकड़ लो आप ये 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 अब चक्के के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना है ये चक्का एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बना अब ये यूनिफॉर्म डिस्क पकड़ लेते अपन क्या पकड़ लेते यूनिफॉर्म डिस्क और ये पकड़ लेते इसका सेंटर तो ऑब्वियसली यही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा यही ये, ये चक्के का क्या आएगा सेंटर ऑफ मास आएगा अब हो सकता है कि अगर इस चक्के पर नेट फोर्स जीरो लग रहे कुछ फोर्स इधर से लग रहा है कुछ फोर्स इधर से लग रहा है कुछ फोर्स इधर से लग कुछ फोर्स नेट फोर्स सिस्टम पे कैसा लग रहा है बेटा जीरो लेकिन हो सकता है कि इसके जो पार्टिकल्स है ये मोशन परफॉर्म करवा दे हो सकता है कि इसके पार्टिकल्स में अंडरगो द मोशन इसके पार्टिकल्स मोशन अंडरगो कर सकते हैं लेकिन लेकिन

उसका वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा यहाँ पे जीरो दैट वुड बी जीरो तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इफ द समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो स्टेटमेंट आप लिख लो अगर आपको लगता होगा तो इफ द समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो then the velocity of center of mass would be zero if it was initially zero and it would be constant if initially it was constant although even though

Does not change due to due to sorry, Arostini acceleration of center of mass does not change due to internal, internally developed, developed forces, even though, even, even though the acceleration. सॉरी एसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स जीरो वेन वेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर इंटरनली डेवलप फोर्सेस इवन दो एसेलरेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल एसेलरेशन ऑफ द इंग डेवी जुअल पार्टिकल्स पार्टिकल्स मे बी नॉन जीरो मे बी नॉन जीरो इसका अर्थ क्या है सर देखिए समझिए कि जैसे मान लो आप एक टू पार्टिकल सिस्टम पकड़ लेते इसका मास एम वन इसका मास पकड़ लेते एम टू ठीक है अब मैं तो ये बोलता हूं कि फिलहाल के इसका मास अपन सेम पकड़ लेते हैं mm. एम ठीक है समझने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा डी है ना तो ऑब्वियसली इनका सेंटर ऑफ मास कहते तो भी यहां पे आएगा अब घास वो छोड़ दो बस यहाँ ये कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास ठीक है अब मुझे बताइए जैसे ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स ग्रेवी टेशनल फोर्स कैसा है बेटा इंटरनली डेवलप फोर्स है कोई बाहर से लगा रहा है क्या इंटरनली डेवलप फोर्स है इंटरनली डेवलप फोर्स बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करो आपको बहुत मजा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बेटा इंटरली डेवलप फोर्स है तो क्या होगा इसके ऊपर जैसे मान लो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है यहाँ पे डी है बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे लगता है इक्वली लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट ए पे वो कितना लगेगा बेटा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर तो एम वन एम टू मतलब एम स्क्र सीधा सीधा और ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में वो भी लगेगा एफ इज एक क्या लिख देंगे बेटा यहां कितना बेटा डी स्क्वेयर तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है अब ये जो फोर्सेस है ये कैसे ये है बेटा ये इंटरनली डेवलप फोर्सेस है सो दे फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर अब दे विल कैंसल आउट अदर का अर्थ क्या हो गया कि नेट फोर्स एक्टिंग वाला सिस्टम क्या हो जाएगा यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग सिस्टम वापस क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि जो इंटरनली डेवलप फोर्सेस है दे विल फॉर्म दे विल फॉर्म कैसे दे विल फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर

इंटरनली डेवलप फोर्सेस वजह से इंटरनली डेवलप फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स सिस्टम पे लगता है फोर्सेस इंडिविजुअल बॉडी पे लगता है लेकिन सिस्टम पे जो नेट फोर्स लगता है वो रहते है एक्शन रिएक्शन पे और इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं इसलिए नेट फोर्स जो सिस्टम पे लगता है वो होता है जीरो और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो तो अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा तो जीरो ही रहेगा और अगर कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्सटेंट रहेगा चेंज होगा नहीं तो क्योंकि हमने यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के रखा था पकड़ के रखा था तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही था इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में था और वो रेस्ट में था जैसे हमने इसको छोड़ दिया ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हैप टू बी इंटरनली डेवलप फोर्स दोनों पे फोर्स लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड है सेम बस डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट अभी जो फोर्स डेवलप हुआ है बेटा इंटरनल डेवलप फोर्स दोनों के ऊपर ये सिस्टम में एक दूसरे को क्या कर रहा है Cancel. तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या लग रहा है जीरो जीरो अगर नेट फोर्स सिस्टम पे लग रहा है और सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी पहले से था, तो वो ही रहेगा और अगर मोशन में था तो उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा लेकिन इस केस में जीरो था तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका कोऑर्डिनेट यही रहेगा चाहे ये दो तो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ जाए आ जाए आ जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास यही रहेगा यही रहेगा यही रहेगा सौ बार कह रहा हो यही रहेगा अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो एक काम करो आप बढ़िया से एक ऐसा नहीं कर पार्टी ले लो यहां से हजारों मीटर ऊपर चले जाओ और वहां एक फलक्रम लगा और एक पार्टी ले, ले लो इसको अच्छे से समझना होगा तो और यहां पे बीच में लगा दो तो, फलक्रम बराबर एग्जैक्ट बीच में एक खुद चले जाओ और एक किसी को भी लेके जाओ अपने दोस्त को लेके जाओ इसका भी मास इसका भी मास बोलो

कहीं नहीं गिरोगे सेंटर ऑफ मास अपन यहां से गिनेंगे तो सेंटर ऑफ मास का कॉर्डिनेट क्या जीरो क्योंकि से वही सेंटर ऑफ मास है इसलिए जीरो आ गया मान लो और, और दोनों का मास सेम है सो वोट इज एसोलेशन आपका एसोलेशन क्या हो गया एफ बाय एम इसका आइसोलेशन क्या हो गया एफ एम दोनों का भी आइसोलेशन सेम है बेटा तो सेम समय बाद दोनों की सेम ही रहेंगी दोनों की वेलोसिटी भी सेम ही रहेंगी

क्योंकि सर अभी इनके बीच के इनके बीच का पहला डिस्टेंस कितना था सर डी था अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सर ये डी माइनस ये डी ये डी डी माइनस एक्स माइनस एक्स मतलब तो इनके बीच का अंतर अभी जो हो गया सर वो जगह डी माइनस टू एक्स हो गया डी माइनस एक्स माइनस डी माइनस टू एक्स तभी तो भी दोनों का मास सेम है तो इसका सेंटर ऑफ मास का रहेगा बेटा वही रहेगा सेंटर ऑफ मास का रहेगा अभी भी ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा जैसे मान लो ये दस मीटर था ये दस मीटर था ये दो मीटर चला ये दो मीटर चला तो देखो ना ये दस मीटर ये दस मीटर ये दो मीटर चला ये दो मीटर चला तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है दो दो चले गए का सेंटर का आएगा इधर से तीन इधर से तीन मतलब इधर से पाँच पे ही अभी भी सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आगे की के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत तकलीफ नहीं देता ये पॉइंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको इसको क्या चाहिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इंटरनल डेवलप फोर्सेस के वजह से पोजीशन वेक्टर शिफ्ट इंटरनल डेवलप फोर्सेस के वजह से इंटरनल डेवलप फोर्सेस के वजह से जो आपको वेलोसिटी ऑफ ऑफ सेंटर मास है वो अगर जीरो रहा तो जीरो तो बॉडीज में आइसोलेशन तो तो है, है, तो तो है दोनों बॉडीज को वेलॉसिटी है दोनों बॉडीज अपने पोजिशन भी शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आप इस फॉर्मुले में कुछ को उनका आंसर किसमें एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू तो हमेशा जितना इसका रहेगा एम वन एक्स वन उतना इसका रहेगा माइनस एम वन एक्स वन जितना इसका रहेगा एम वन वी उतना इसका रहेगा एम टू निगेटिव में जितना इसका रहेगा मास इंटू एसेलेशन एम वन उतना ही निगेटिव इसका रहेगा एम वन तो दोनों हमेशा जीरो ही बनाएंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर ही जाएगा इंटरनली डेवलप फोर्सेस के वजह से सेंटर ऑफ मास अगर आपका रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा शिफ्ट नहीं होगा दैट्स इट सिंपल अल्दो The two bodies are having velocity. Although the two bodies are having acceleration. Although the two bodies are moving, but center of mass is not moving. Velocity of center of mass is not moving. Acceleration of center of mass is zero. Although there is x1, x2. X1, x2 will change, but xcm will not change. V1, v2 will change, but vcm will not change. a1, a2 will change, but acm will not change. If internal force acting on the body and initially the body was at rest, x1, x2 will सीएम नहीं आएगा वी वन वी टू आएगा वी सी एम नहीं आएगा वी सी एम जीरो अगर क्या होगा इनके मासेस अलग अलग रहे तो एम वन एम टू कॉपी कंट्रोल सी पेस्ट कंट्रोल वी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों सर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा अरे इस पे भी फोर्स एफ लग रहा है इस पे भी फोर्स एफ लग रहा है मान लो m1 ज्यादा है m2 से m1 ज्यादा है m2 से तो ऑबवियसली सेंटर ऑफ मास सेंटर के थोड़ा इधर शिफ्टेड रहेगा इसका एक्सीलरेशन रहेगा a इज f बाय m1 और इसका एक्सीलरेशन a1 और इसका एक्सीलरेशन रहेगा बेटा a2 इज इक्वल्स टू f बाय m2 m1 ज्यादा था m1 ज्यादा था m1 ज्यादा था तो एक्सीलरेशन a1 कम रहेगा क्योंकि देखो m1 ज्यादा है तो a1 कम m2 कम था तो इसका ज्यादा रहेगा क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास देखो मान लो ये रेशो में है यहाँ पे ये बीस पे है और ये कितने पे पचास पे है. है, है हम सेंटर ऑफ मास से तो तो इनिशियली वहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास समय पश्चात इसका आइसोलेशन कैसा है बेटा कम है इसका एसोलेशन कैसा है ज्यादा है तो मान लो टाइम में इसने अगर टीम डिस्टेंस कवर किया तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा तीन अभी भी अगर आप देखो तो ये टू इस टू थ्री के रेशो में पहले था अभी भी यहां से अठारह पे है और यहां से कितने पे 27 पे अभी भी के पेगा में ही हैं। नहीं समझा। इनका अलग हो सकता है इनके अलग हो सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स जीरो होने के कारण वेलोसिटी ऑफ़ बहुत खूबसूरत एक पॉइंट है जिसके तहत बहुत खूबसूरत से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आई होप आपको ये यहाँ पे थोड़ा समझा होगा चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं मतलब जिनको अभी तक कुछ भी नहीं समझा उनको थोड़ा सा समझने का एक स्कोप यहाँ पे बढ़ जाएगा चलो जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास एंड आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेलोसिटी आई कैप एंड माइनस टू जे कैप तो ये ओरिजिन पकड़ लेते अपन ठीक है कि वे पार्टिकल्स ओरिजिन पे थे यहां पे एक पार्टिकल का मास एम है जो दो गति से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और दूसरे पार्टिकल का भी मास एम है जो इतनी गति से डायरेक्शन तरफ जा रहा है तो बताइए इनका सेंटर ऑफ मास कितने गति से किधर जा रहा है अब इतना तो दिमाग हमारा यहाँ पे चल ही जाता है भाई साहब कि मान लो आफ्टर टाइम टी ये पार्टिकल जो है पहला वाला है ना माइनस टू जे कैप यहां पे लिख देता हूं माइनस टू जे कैप मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम टी जितना डिस्टेंस ये ए पार्टिकल यहां पे कवर करेगा, करेगा उतना ही डिस्टेंस ये बे पार्टिकल यहां पे कवर करेगा उतना ही इक्वल एन अपोजिट क्यूसन क्योंकि टाइम वही है और समय भी वही और स्पीड कॉन्स्टेंटेंट है, है तो सादे इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं कौन सा लगेगा यहाँ पे वी इक्वल टू यू प्लस इज इक्वल टू वी टी डिस्ट इज स्पीड इंटू टाइम तो स्पीड टू तो इंटू टाइम टी डिस्टेंस हो जाएगा अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना रहा तो क्या लाइक करेगा टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल

तो दो ही पार्टिकल सिस्टम है ज्यादा नखरे करेंगे नहीं पहला पार्टिकल ए है तो उसका मास कितना है बेटा m, वेलोसिटी है माइनस टू जे कैप दूसरा पार्टिकल बी एम उसकी वेलोसिटी प्लस टू आई कैप होल अपॉन m1 वन प्लस एम मतलब कितना ट्वाइस एम सो so, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी देखो टू एम से टू एम कैंसल टू एम कैंसल माइनस जे कैप प्लस आई कैप मतलब i कैप माइनस जे कैप इसका अर्थ पता है आपको क्या है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना मैग्नीट्यूड निकालू तो मुझे क्या मिलेगा सेकंड तो मिल जाएगा मुझे इसका मैग्नीट्यूड इसका अर्थ पता है क्या है बेटा? ये जा रहा है बेटा दो से ये जा रहा है दो से तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास जा रहा है वो जा रहा है बेटा इस दिशा में है ना अगर आप यहां पे गौर से देखें अगर आप ठीटा निकाले तो आपको मिलेगा यहाँ यहां से कितना डिग्री पे बेटा फोर्टी फाइव डिग्री पे फोर्टी फाइव डिग्री पे रुक टू से थोड़ा सोच के देखो कि ये गति दो ही होती और ये होती चार तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा उधर इंक्लाइन ऐसा जाता थोड़ा उधर इंक्लाइन ऐसा जाता इसकी गति होती एक और इसकी होती दस थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा, ऐसा ज्यादा सेंटर ऑफ मास क्योंकि देखो ना एक सेकेंड में ये दस मीटर जाएगा और ये कितना जाएगा एक मीटर तो सेंटर ऑफ मास कहा रहेगा मास दोनों का सेम 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 है तो है कहीं अगर दोनों दोनों की गति डिस्टेंस तो करेंगे यार फिजिक्स यू कैन एक्चुअली फॉल इन लव सब्जेक्ट ऑल इन लव दिन पर सब्जेक्ट में फॉल होने के लिए इस सब्जेक्ट को उस खूबसूरत नजर से देखने के लिए उस, वो खूबसूरत विजन भी लगता है नजर तो सबको होती है लेकिन नजरिया बहुत कम लोगों को होता है है ना नजरिया एवरीबडी हैज आईज बट वेरी लेस पीपल हैज विजन परसेप्शन क्लियर तो ये है बेटा इसका अगर आप एसरे से निकालो तो वो जीरो आएगा बेटा क्यों क्योंकि कॉन्स्ट वेलोसिटी से जा रहा है सेंटर ऑफ मास क्योंकि इसमें ना इसमें एसरेस है ना इसमें एसरेस है दोनों का जीरो है चलिए एक और मजेदार कॉन्सेप्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब पोजिशन तो आर लिख देते तो लिखेंगे यहां तो लेते कितना सेकेंड दो सेकेंड दो सेकेंड क्या लगता है आपको ये पार्टिकल कहा जाएगा बेटा यहां से यहां पे जाएगा मतलब ये जो पोजिशन रहेगा इसका ये क्या रहेगा फोर कॉमा जीरो अरे दो सेकेंड बाद दो मीटर पर सेकेंड से ये जीरो से कहा जाएगा दो पे और दो सेकेंड बाद ये कहाँ पे जाएगा बेटा जीरो कॉमा फोर पे तो चलो लिख देते हैं बेटा व्हाट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देन आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा एम वन दैट इज एम क्या लिखेंगे ए के लिए जीरो आई कैप यहाँ पे एक्चुअली माइनस फोर चाहिए था क्योंकि नेगेटिव है ना तो माइनस फोर जे कैप प्लस एम टू भी है एम क्या लिखेंगे बेटा फोर आई कैप प्लस जीरो जे कैप होल अपॉन एम वन प्लस बेटा माइनस फोर एम जे कैप प्लस फोर एम आई कैप अपॉन क्या लिखेंगे ट्वाइस एम ये कॉमन कॉमनिकल कर टू आंसर हो जाएगा आपका टू आई कैप माइनस टू जे कैप टू आई कैप माइनस टू जे कैप मतलब पोजिशन वेक्टर कहा गया अगेन फोर्टी फाइव डिग्री पे बेटा इधर से दो है ना ये जो है कोऑर्डिनेट रहेगा ये वाला आपका ये कितना है चार चार तो ये क्या रहेगा आपका दो कॉमा माइनस दो एक्स दो माइनस दो खत्म अब देखो ट्राई करते हैं यहां कि हमने क्या निकाला कि जो इसकी वेलोसिटी है पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो कितनी है रू टू तो देखते हैं कि टू सेकेंड्स में ये जो ओस से यहाँ पे पी आया है क्या ये डिस्टेंस है ना क्या ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन

अब देखो ये इसका आधा मतलब ये जो पॉइंट होगा ये भी इसका आधा होगा और ये जो पॉइंट होगा बेटा ये इसका आधा होगा मतलब ये है आपका इतना टू है ये कितना आपका ये टू और ये भी कितना आपका टू तो ये टू ये टू तो ये कितना हो जाएगा टू रूट टू और देखो ये आंसर आ रहा है टूर उ खूबसूरत है यार फिजिक्स फिजिक्स इज लॉजिकल यहाँ पे रट्टा पाप है समझो चीजों को समझो हो जो समझो क्लियर है चलिए ऐसे और एक कॉन्सेप्ट ले लेते ले हैं ठीक है जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वापस से इसका मास अपन ले लेते थोड़ा कुछ अलग लेंगे जैसे मान लो इसको ले लेते अपन दो के और इसकी गति ले लेते ले इधर चार मीटर पर सेकेंड और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते वो ले लेते एक के जी का उसकी गति ले लेते बेटा यहाँ से फोर्टी फाइव डिग्री पर ये भी ले लेते फोर रोट टू मीटर फोर रो टू मीटर पर सेकेंड तो बताइए इन दो पार्टिकल सिस्टम का इन दो पार्टिकल सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा तो वही फॉर्मूला बेटा पार्टिकल पहला यहाँ पर मैं लिख देता तो एम वन कितना है मेरा दो के जी वी वन कितना है मेरा बोलो फोर आई कैप मेरा एम टू कितना है एम टू वो है वन के जी मेरा वी टू कितना है बेटा वी टू बार कितना है बोलो फोर रोट टू इधर है

वट इज वी वन इट इज फोर आई कैप प्लस वी टू कितना है बेटा हमारा एम टू कितना है बेटा हमारा वन इन टू क्या लिखेंगे बेटा फोर आई कैप माइनस फोर जे कैप होल अपॉन क्या लिखेंगे एम वन प्लस एम टू मतलब क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे थ्री तो यह जगह बेटा एट आई कैप प्लस फोर आई कैप माइनस फोर जे कैप होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे थ्री फोर आई कैप मतलब फोर मतलब ट्वेल्व आई कैप सकते टेन इनवर्स ऑफ फोर बाई थ्री बाय फोर तो टेन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री टेन थीटा इज वाई कंपोनेंट मतलब माइनस फोर बाई थ्री अपॉन फोर तो फोर से फोर कैसल माइनस वन बाई थ्री मतलब अगर आप माइनस को भूल जाओ कोऑर्डिनेट से अगर देखो आप तो ये थीटा कितना आ जाएगा आपका आपका आंसर थीटा आ जाएगा बेटा अच्छा वन फाय थ्री लगा मुझे इसलिए मैं इंटरेस्टिंगली निकालने बैठ गया क्या पता इसका क्या आंसर आएगा नेगेटिव मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इधर तो आपका पहला पार्टिकल जा रहा है बेटा इधर दूसरा जा रहा है इधर वेलोसिटी ऑफ सेंट्रोपमास मास ही तो भी इधर जा रहा है तो ये देखो ना एंगल टेन वन फोटी फाइव होता है तो उससे कमी आंसर आंसर आएगा ये फोर्टी फाइव है ना आपका तो उससे कमी एंगल आएगा ये थीटा टेन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री खत्म तो इस तरह से चीजें वर्क करती है रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चलिए एक ऐसे न्यूमेरिकल न्यूमरिकल्पन थोड़ा सा एसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सभी का एक कॉन्सेप्ट वाइज ले लेंगे चलिए और एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले लेते कि मान लो दो ब्लॉक्स है यहाँ पे ये एक थ्री एम ले लेते एक दूसरा लेते बेटा यहाँ पे टू एम ठीक है इसका एसरेशन अपन मान लेते हैं यहाँ पे दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसरेशन मान लेते इधर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है पहले तो बताओ इसका अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ू अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ू ठीक है तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया पहले तो चलो वो निकाल लेते हैं सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा देखो m1 X1, इसको अपन पूरा सॉल्व कर दे ताकि आपको और फील आ जाए अपॉन एम वन प्लस एम टू तो वॉट इज एम वन थ्री एम लिखने से अच्छा के जी लिख लेते थ्री के जी टू के जी ठीक है एक्स कितना आया हमारा जीरो प्लस ये टू इंटू एक्स कितना आया हमारा इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं टेन मीटर्स टेन अपॉन अपॉन एम वन प्लस एम टू क्या लेंगे बेटा फाइव है ना सो वॉट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्वेंटी फोर यूनिट्स मीटर बोला तो फोर मीटर फोर मीटर ये हो जाएगा मेरा पोजिशन ऑफ यहां से फोर मतलब कहीं तो भी यहां पे आ जाएगा अब देखो गौर करो ये मास ज्यादा है बेटा ये दस था ना तो यहां से डिस्टेंस कितना आ गया चार और यहां से डिस्टेंस कितना आया क्योंकि मास का रेशो क्या है थ्री टू वन तो रेशो ऑफ डिस्टेंस क्या रहेगा टू इस टू थ्री जो मास ज्यादा वहां से डिस्टेंस कम सेंटर ऑफ मास का

ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इंटरनल फोर्सेस के तहत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं मैंने कहीं नहीं कहा ये जो फोर्सेस डेवलप हुए हो होंगे इंटरनल डेवलप फोर्सेस नहीं है ये किसी ने पुश कर दिया बाहर से इसलिए इसका एक्स मूव हो रहा है अगर ये इंटरनल डेवलप फोर्स होते तो इसका पोजिशन फिकटर वही रहता वेलोसिटी ऑफ तो ऑफ सेंटर मास भी जीरो रहता क्यों क्योंकि वही है ना एक्स अगर सेंटर ऑफ मास वही है एक्स कोऑर्डिनेट अगर वही है तो वेलोसिटी आई कहाँ से वेलोसिटी तब आएंगे जब एक्स सी अपनी जगह चेंज करेगा लेकिन

फर्स्ट पार्टिकल मास थ्री के जी वॉट इज एसोरेशन देखो टू आई कैप प्लस वॉट इज सेकेंड पार्टिकल का मास दो के जी वेशन बेटा माइनस आई कैप वन आई कैप माइनस अपॉन फाइव टोटल तो मासन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा देखो सिक्स आई कैप माइनस टू आई कैप तो येगा फोर आई कैप बाई फाइव तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट एट आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका अर्थ ये बेटा कि जो सेंटर ऑफ मास का जो एसोसिएशन है वो कहा है बेटा उधर उस दिशा में वो सही भी है क्योंकि देखो ना ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा थोड़ा सा उधर उधर शिफ्ट करेगा ताकि बराबर जो है वो मेंटेन रहे कितना डिस्टेंस का समझ में आ रहा है आप लोगों को ऐसा सीन है अब देखो मैं आपको उसको प्रूफ करवा के बताता हूं एक सेकंड बाद अपन क्या करेंगे दोनों को पोजिशन निकाले थे कितने सेकंड बाद एक सेकंड बाद है ना एक सेकंड बाद तो इनिशियली ये भी रेस्ट में है वो भी रेस्ट में है चलो ध्यान दो वट इज द पोजिशन एक्स क्या होगा बेटा वट इज द ये कितना देंगे पहले वो निकलेता तो बेसिक फॉर्मूला एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्समेंट कितना करेगा देखो एक्स टू जीरो हाफ ए कितना है हमारा देखो टू इंटू टी कितना एक्सके बोला मैंने तो एक्स जो इसका रहेगा वो कितना रहेगा रहे बेटा वन मीटर ये आएगा वन मीटर आगे ठीक है ओरिजिन अभी भी हम ये रखेंगे और वट इज द ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा एक्स इक्वी तो हो जाएगा इसका भी जीरो प्लस हाफ ए कितना इसका वन टू टी कितना है फाइव मैं दो, दो सेकेंड लेते हैं आपका टू, तो है टू, है तो टू मीटर यह दो मीटर आएगा बेटा दो मीटर डिस्प्लेस करेगा और ये वाला कितना करेगा देखो दो दो से चार मीटर करेगा अरे हो गया अब देखो सीन देखो कैसा है ये ओरिजिन है हमारा ये भाई साहब कहा चले गए कितना मीटर चले गए थ्री वाला चार मीटर चला गया तो यहां से चार मीटर पे चले जाओ यहां पे थ्री केजी। है थ्री के जी इसका पोजीशन है जीरो कम फोर और वो इधर कितना आ गया बेटा दो मीटर तो ये जो है भाई साहब दस मीटर पे जो थे पहले वो कहां पे आ गया अभी एक्सोस्टो एट एक मीटर पे आ गया कौन दो के जी वाला दो के जी वन के जी दो के जी वाला ठीक है अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है चार कितना अब इनकी इसका डिस्टेंस चार अब मुझे बताइए इसका अभी पोजिशन वेक्टर क्या आएगा कोई बता सकता है मुझे कहाँ आएगा इसका पोजिशन वेक्टर देखो वेयर विल बी द पोजिशन वेक्टर इसका ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं कितना केजी जी तीन के का और दो केजी का और ये कितने दूर है आपस में चार मीटर से तो इसको पकड़ लेंगे अपन जीरो इसको पकड़ लेंगे अपन चार तो क्या लिखेंगे बेटा एम वन एक्स एक्स टू अपॉन एम वन प्लस कितना हो जाएगा मतलब मीटर कहाँ से यहा से थोड़ा गौर करो दो सेकेंड बाद जो सेंटर ऑफ मास पे था चार मीटर पे था चार मीटर पे मतलब यहां पे था वो कहा गया कुदकर

ये टू वन जार टू टू जार तो x कोऑर्डिनेट जो चेंज हुआ है सेंटर ऑफ मास का वो 1.6 मीटर से चेंज हुआ है स्वाहा <laughs> अब इतने न्यूमेरिकल्स तो पर्याप्त है ये समझने में कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एसेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर्याप्त है इतनी चीजें ये जो हमने इलिस्ट्रेशन लिया आप इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा पढ़े कि हमेशा इसमें से कुछ सीखने

चलिए और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं चलो एक बढ़िया से एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यहां पे हम कर लेंगे श्री डीसी पांडे में का ये न्यूमेरिकल है ठीक है देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास इसको नाम ए दिया है बेटा इसका मास है वन के जी इसको फेंका गया ऊपर दो सौ मीटर पर सेकेंड से यह ऑब्जेक्ट है बी जिसका मास है 2 केजी इसको नीचे फेंका गया फेंका गया रिलीज नहीं किया गया 50 मीटर पर सेकेंड से तो आपको बताना है कि ये दो पार्टिकल सिस्टम का कहीं तो भी सेंटर ऑफ मास होगा जैसे मान लो ये 1 केजी है 2 केजी है और इनके बीच का जो हाइट है ये हाइट आपको हाइट मान लेते अपन यहां पे हम विल हाइट एज 1 सेकंड देख लेते हैं हाइट कितना है 90 मीटर दूरी पर है कितना मीटर दूरी पर है 90 मीटर इनके बीच का जो अंतर है ये कितना है 90 मीटर अब देखिए भाई साहब इसको यहाँ से ऊपर से फेंका उसको नीचे से फेंका तो ये कुछ तो भी ऐसा सीन रहेगा ये नीचे आएगा और ये ऐसा ऐसा करेगा अब आपको सवाल ये पूछा है कि वॉट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड मास अब देखो मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास क्या गेन करेगा कितना तो खतरनाक क्वेश्चन है वैसा देखा जाता हो देखो थोड़ा सोच के देखो कि ये तो नीचे आते जाएगा ये हो सकता है ऊपर चले जाए ऐसा 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 तो इसका सेंटर ऑफ मास आप इमेजिन करके देखो कि आपको वन इज टू टू के रेशियो तो में मास होता हमेशा। काम कर लेते, सेम ले लेते, दो, ले लेते, दो ठीक है अब इसको देखो ऐसा आप, आप फिक रहे हो तो अभी सेंटर ऑफ मास का है ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में गए तो ये वापस से ऊपर जा रहा है ए वाला, वाला नीचे आ रहा है अब सेंटर ऑफ मास देखो कहां पे दोनों है अब देखो सेंटर ऑफ मार्स पे

जो हम निकाल सकते हैं ए इसको वन पकड़ लो तो ये टू इंडो वेलोसिटी दो सौ जे कैप प्लस उसका गति भी कितना बेटा मास टू गति कितना माइनस फिफ्टी जे कैप ऑल अपॉन एम वन प्लस एम टू मतलब फोर तो ये आंसर हो जाएगा चार सौ माइनस सौ मतलब कितना तीन सौ बाय चार जे कैप पॉजिटिव में मतलब भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे तीन सौ बाय चार मतलब पचहत्तर जे कैप मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको बताऊंगा बराबर है

क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को आप यूज कर रहे हो ना तो सेंटर ऑफ मास चाहिए सीएम वाले कॉम्पोन चाहिए तो वट इज एम वन ये बेटा दो एसेशन कितना है माइनस टेन जे कैप इसका भी रहेगा नीचे रहेगा प्लस इसका मास कितना है दो एसेशन क्या रहेगा माइनस टेन जे कैप क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा है ग्रेविटी ग्रेविटी क्या लग रहा है नीचे कितना लग रहा है टेन अपॉन लिखेंगे फोर तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टी बाय फोर मतलब माइनस टेन जे कैप meter per second square you have made all the necessary ingredients now apply the formula v square is equals to u square plus 2 a h bus velocity of center of mass velocity of center of mass s ratio center into mass twice as v square is equals to u square plus twice a height gained by the center of mass what is final velocity of center of mass zero what is initial velocity of center of mass initial velocity 75 75 square sadhada chapan 5625

वन पॉइंट टू फाइव आई गेस देख लेना एक बार कैलकुलेशन आप सही किया है गलत किया मैंने हाँ बराबर है टू एटी वन पॉइंट टू फाइव मीटर तो ये आ गया टू एटी वन पॉइंट टू फाइव मीटर क्या ये आंसर है नहीं ये आंसर नहीं है ना ना, ना। आंसर क्या है देखिए ये ग्राउंड से पूछे आपको पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि एक्चुअल में पहले सेंटर ऑफ मार्स पे था वहां से इतना ऊपर गया ना तो सेंटर ऑफ मास मार्स पे था ये है आपका दो के जी और ये भी कितना है आपका दो के जी इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है आपका नाइनटी मीटर्स सेंटीमीटर नहीं सर नाइनटी मीटर मीटर का डिस्टेंस है बेटा तो पहले से सेंटर ऑफ मास पे था नीचे से फोर्टी फाइव मीटर पे अब ये यहां से ऊपर कितना गया है बेटा टू एटी वन पॉइंट टू फाइव तो एक्चुअल हाइट मैक्सिमम हाइट गेन बाय सेंटर ऑफ मास जो रहेगा मैक्सिमम हाइट, गेन बाय सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड कहा से ग्राउंड तो वो क्या रहेगा आपका ये 45 प्लस यहां से कितना ये जो डिस्टेंस जो आपको दिया है ये तो इनिशियल जहां पे था वहां से ऊपर दिया है ना तो ये हो जाएगा बेटा 45 प्लस 281.25 मीटर तो एच मैक्स जो आपका रहेगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या रहेगा देखो 280 एटी 280 320 326 प्लस मीटर दिस इज़ द आंसर नहीं तो हम यहां पे निकाल लेते इतना बड़ा करके हाँ भाई हमको आ गया हमको टू एटी वन भी ऑप्शन में होता है मार के आ जाते सर पेपर बहुत ईजी था थोड़े से से बच गया अरे तू फोर्टी फाइव तो ऐड कर लेना चाहिए था दैट वॉज दी क्लियर है सो आई होप आपको ये थोड़ा सा हेवी गया होगा कोई दिक्कत नहीं हेवी सौ होगा लेकिन प्रैक्टिस परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी और अगर आपको फोकस बना रहा तो आपको ये टॉपिक समझने में भी उतनी आसानी जाएंगे जितना बाकी टॉपिक समझने में आपको गई है अगले इसमें अपन देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थोड़ा सा एक दो पैरे पैरे से न्यूमरिकल्स है जो कंसर्डेशन वाले हैं मतलब छोटा वीडियो रहेगा ये थोड़ा बड़ा हो गया और उसके बाद फिर अपन जाएंगे टूवर्ड्स कोलिजन किसके तरफ टूर्ड्स भिडन कोलिजन कोलिजन अपन पढ़ेंगे तब ठीक है हाउ द पार्टिकल्स कोलेट वॉट इज देर फाइनल वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन की इलास्टिक कोलिजन क्या क्या कंसर्ट होता है क्या कंसर्ट नहीं होता है वो पूरा यहाँ पे चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे सो so आप क्या करोगे तब तक नोट्स निकालते रहिए पढ़ते रहिए स्लो क्यों ना हो लेकिन अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए है. मिलते हैं अगले इसमें तब तक बाय